वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जनसत्ता पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सौरभ गांगुली थे, उनकी ही जगह पर महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया कैप्टन बनाया गया था। अब सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और इधर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर चर्चाओं का बाजार तो पिछले काफी समय से गर्म ही है। ऐसे में अब लोग गांगुली से पूछने लगे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर बोर्ड क्या फैसला लेगा। इस सवाल पर गांगुली ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सौरव गांगुली 23 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर BCCI के अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालेंगे। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनने से पहले ही गांगुली ने कई मामलों पर खुलकर अपनी राय रखी और अपना प्लान भी बताया। जब गांगुली से धोनी के रिटायरमेंट के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को वो इस मुद्दे पर सेलेक्टर्स यानी कि चयनकर्ताओं से बात करेंगे। दरअसल बांग्लादेश और भारत की टीम के बीच नवंबर में होने वाली सीरीज में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसी के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन 21 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब गांगुली के अध्यक्ष बनने के बाद ये टीम 24 अक्टूबर को चुनी जाएगी। क्योंकि सौरव गांगुली BCCI के नए अध्यक्ष होंगे, इसलिए उनसे इस बारे में तब सवाल किया गया जब वे बंगाल क्रिकेट संघ मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं चयनकर्ताओं से 24 अक्टूबर को मिलूंगा और मैं इस पर बात करूंगा कि वे लोग क्या सोच रहे हैं। इसके बाद मैं अपने विचार रखूंगा। जब हम 24 अक्टूबर को मिलेंगे और फिर हमें देखना होगा कि क्या किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये संकेत दिए कि महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी मैनचेस्टर में हुए ICC वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट कोहली एंड कंपनी की हार के बाद अब तक किसी भी इंटरनेशनल मैच में नजर नहीं आए हैं। जब इस बारे में गांगुली से पूछा गया कि क्या क्रिकेटर इतना लंबा ब्रेक ले सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब ऐसा हुआ तो मैं भूमिका में नहीं था, चयनकर्ताओं से मेरी पहली बैठक 24 को होनी है। वहीं धोनी के संन्यास पर सवाल को लेकर गांगुली ने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि धोनी क्या चाहते हैं। गांगुली 24 अक्टूबर को टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली से मुलाकात करेंगे और इसी दिन वे धोनी के संन्यास पर चर्चा भी करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि वे इस मुद्दे पर धोनी की मंशा जरूर जानेंगे। सौरव गांगुली BCCI के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। वो एक अनुभवी और दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, उनसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं और साथ ही लोग ये मान रहे हैं कि इस पद पर रहते हुए सौरव कई बड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन धोनी की रिटायरमेंट पर क्या फैसला होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो जनसत्ता आपको देता रहेगा। आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।